एक ही स्रग से 40 से ज्यादा बच्चों में लगा दी कोविड वैक्सीन। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश को यूं ही नहीं कहा जाता गजब प्रदेश, होगा भी क्यों नहीं, पिछले 18 वर्षों से भाजपा सत्ता में जो है। आपको आए दिनों मध्य प्रदेश से एक से बढ़कर एक कई चौंकाने वाली खबरें देखने को मिल जाती, लेकिन इस खबर को सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। जब से यह खबर सामने आई है, देश के हर एक नागरिक बीजेपी की शिवराज सरकार की पीठ थपथपाने को बेचैन। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता मंच। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश से एक ऐसी गंभीर खबर निकलकर सामने आई है जहां पर एक ही सरंज से 40 से ज्यादा बच्चों ने कोविड टीकाकरण कर दिया है। टीका लगाने वाले कर्मचारी का कहना है कि हमें ऊपर से अधिकारियों ने एक ही सरंज दी है। मध्य प्रदेश में घोटाले कितने चरम पर हैं, इस खबर से आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास पर्याप्त सरंज न होना यह तो मात्र एक उदाहरण है। अभी पिछले दिनों ही भोपाल होशंगाबाद के बीच बने एक हाईवे का उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही बरसात के पानी में बह गया, तो आप जान देख सकते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है अपराधियों से भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है और एक के बाद एक नए कारनामे सामने आते ही जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, जो 40 टीकों वाली खबर है कहाँ की है, हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बयान सुनिए जो वहाँ के कर्मचारी ने दिया है। तो आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरंज दी गई। एक ही सिरंज दी गई? किसने दी एक सिरंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा यहाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरंज इस्तेमाल। क्या नाम लिख दिया? जितेंद्र राज। तो साथियों आपको बता दें, ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के सागर की है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के अनुसार सागर के जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था। इसके लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों को वैक्सीनेशन के लिए हायर किया था। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम अधिकतर निजी कॉलेज के छात्रों से ही कराया जा रहा है और हमारे शिवराज मामा कहते हैं कि मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। लगता है कि शिवराज मामा ने सरकार बनाने के लिए पूरे रुपए विधायक खरीदने में ही खर्च कर दिए। मामा विधायक खरीदने में मस्त हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एक भी बच्चा कोविड या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता और उससे ये बीमारी सभी बच्चों में फैलती तो जो जन हानि होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस सवाल का जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जरूर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।